गर्ल्स बबी महिला पिंचर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चरर मम्मा समूता। आज अपने बॉटनी का बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसका टॉपिक आ जाएगा पॉलीप्लॉइडी यानी गुणिता। ठीक है, गुणिता मतलब किसी भी जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी, उसको बोलेंगे अपन गुणिता। ठीक है, ये दो प्रकार से होती है, अशुगुणिता और सुगुणिता। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, अशुगुणिता और सुगुणिता। टू टाइप्स की होती है, पहली अशुगुणिता पढ़ते हैं, दूसरी सुगुणिता पढ़ते हैं। पहले बताते हैं आपको अशुगुणिता। इसमें क्या होता है, किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के जो पेयर होते हैं उसमें या तो क्रोमोसोमों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उसे कहेंगे अशुगुणिता। या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उसे बोलेंगे अशुगुणिता। सुगुणिता मतलब या तो क्रोमोसोम की संख्या हमेशा बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, उसे बोलेंगे सुगुणिता। अशुगुणिता को बोलेंगे एम्प्लॉइडी, सुगुणिता को बोलेंगे यूप्लॉइडी। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी। अशुगुणिता दो प्रकार की होती है, अधिगुणिता और अधोगुणिता। ठीक है, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता को बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, अधिगुणिता को बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, अशुगुणिता मतलब किसी भी जीवों में जो संजात गुणसूत्र होते हैं, सॉरी जो गुणसूत्रों के पेयर होते हैं, या तो उनमें क्रोमोसोमों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। दो प्रकार के हो गए, अधोगुणिता, इसमें क्रोमोसोमों की संख्या घटेगी और इसमें क्रोमोसोमों की संख्या बढ़ेगी। वैसे नॉर्मली हर जीव के अंदर ये नहीं होता है, ये कभी कभी म्यूटेशन परावैगनी विकरणों के कारण किसी न किसी कमी के या कारण की वजह से ही होता है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई उस वजह से गुणिता। ठीक है, जो अधोगुणिता होता है तीन प्रकार का होता है, पहला एकयोगसूत्री, दूसरा द्विएकयोगसूत्री, तीसरा द्विनियोगसूत्री। ठीक है, तीन प्रकार से अधोगुणिता को हम समझते हैं। पहला देखते हैं हम एकयोगसूत्री यानी मोनोसोमी। ठीक है, इस प्रकार की इस प्रकार की टाइप में क्या होगा, जो किसी भी जीव है उसके अंदर जो गुणसूत्र के जो पैर है उस पैर में से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। मतलब हमारे मनुष्य उदाहरण लेते हैं, 23 क्रोमोसोम है, उसमें 23 में क्या होगा, किसी का भी एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। जो पैर है 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं, 46 क्रोमोसोम होंगे, उसमें एक कम हो जाएगा, कितने होंगे 45 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 45। ठीक है, अगला है द्विएकयोगसूत्री डबल क्रोमोसोमी। इसमें क्या हो जाएगा, जो जोड़े होते हैं, ठीक है, उन जोड़ों में से एक एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। जैसे 23 जोड़े होते हैं तो किसी भी एक जोड़े में से बदल देंगे, पहला लिए दूसरा लिए, तो एक क्रोमोसोम इसका कम हो जाएगा, एक क्रोमोसोम इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है द्विनियोगसूत्री, तीसरा है द्विनियोगसूत्री यानी न्यूलीसोमी। इसमें क्या होता है, कोई भी पूरा का पूरा जोड़ा ही कम हो जाएगा, या तो पहले का पूरा का पूरा जोड़ा ही चला जाएगा। दूसरा एक से लेकर 23 तक, मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि एक से लेकर 23 तक किसी का भी पेयर कम हो जाएगा। एक तो तीन प्रकार हो गए, एकयोगसूत्री, द्विनियोगसूत्री, द्विएकयोगसूत्री और तीसरा द्विनियोगसूत्री। ठीक है, मोनोसोमी, डबल क्रोमोसोमी और न्यूलीसोमी। ठीक है, ये हो गया हमारा अधोगुणिता। अब आ गया अधिगुणिता। इसमें क्या होता है, हमेशा क्रोमोसोमों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इसमें हमेशा क्रोमोसोमों की संख्या कम होगी, इसमें कैसे होगी, क्रोमोसोमों की संख्या बढ़ेगी। ये भी तीन प्रकार से समझ सकते हैं, पहला है एकाधिसूत्रता, दूसरा द्विआधिसूत्रता, तीसरा भी एकाधिसूत्रता। ठीक है, पहला बढ़ेगा हाइपोप्लॉइडी के अंदर, पहला एकाधिसूत्र टाइप ट्राइसोमी। इसमें क्या होगा, किसी ने भी इसमें क्या हो रहा था, क्रोमोसोम एक कम हो रहा था, इसलिए क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। इसमें अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम कम हो रहे थे, इसमें अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। इसमें एक पेयर पूरा कम हो रहा था, इसमें पूरा एक पेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डबल टेट्रासोमी या न्यूलोसोमी। ठीक है, इसमें पूरा एक पेयर बढ़ता है, इसमें पूरे दो पेयर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अशुगुणिता, अशुगुणिता। ठीक है, अशुगुणिता दो प्रकार का होता है, पहला अधिगुणिता, दूसरा अधोगुणिता। ठीक है, अधिक मतलब हमेशा बढ़ेगा, अधिक होगा, अधोग मतलब हमेशा कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा अशुगुणिता समझ में आया। अब शुरू करते हैं सुगुणिता। सुगुणिता यूप्लॉइडी का मतलब होता है, किसी भी जीव के अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, 23 होते हैं, कैसे होते हैं, 23 होते हैं, उनको सिंगल पेयर में कैसे होते हैं, 46 मतलब कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, ये भी तीन प्रकार का होता है, पहला एकगुणिता, दूसरा द्विगुणिता, तीसरा बहुगुणिता। ठीक है, पहला देखते हैं मोनोप्लॉइडी, दूसरा डाइप्लॉइडी, तीसरा पॉलीप्लॉइडी। एकगुणिता में क्या होगा, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। द्विगुणिता के अंदर क्या होगा, दो क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। बहुगुणिता के अंदर
आपको इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हो। थैंक यू।